हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को पहले तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड सभी की अच्छी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, जिनका आज का एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वह सारे क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, आपको जो जीके जीएस के लिए, ठीक है, 500 क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड कर दिया मैंने टेलीग्राम पर। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी डाउनलोड करिए, और सारे जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस हैं। ठीक है, देखिए आपका एग्जाम है, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं बताना चाहूंगा, देखिए एग्जाम को हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले आपको इंग्लिश में, ठीक है, जैसे इंग्लिश आएगी आपकी, तो इंग्लिश में सबसे पहले उन क्वेश्चनों को देखना है जिस पे आपकी कमांड अच्छी है। ठीक है, देखते ही आप टिक कर सको, पहले उस क्वेश्चन को करना है। देखिए, पैसेज को कोई भी सबसे पहले मत करिएगा, पैसेज को बाद में प्राथमिकता दीजिएगा। ठीक है, जैसे बाद में आपने, सपोज दैट, जैसे 20 क्वेश्चन के लिए इंग्लिश में 20 मिनट होती है। ठीक है, तो सब जो सपोज दैट करो, आपने 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, और लास्ट के जो 10 क्वेश्चन रह गए वो थोड़े डिफिकल्ट थे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन फिर आपने क्या किया, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन और कर लिए, यानी कि फिर आपके पास क्या रहा कि मतलब 6 से 7 मिनट उसके बाद भी रहे आपके लिए पैसेज के करने के लिए। तो जो पैसेज करना है वो बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपको पैसेज सॉल्व करने के लिए पर्याप्त समय होगा आपके पास। तो ठीक है, तैयारी अच्छे से करिए, इस बेस पे तैयारी करिए स्टूडेंट, कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो, भेजे ही हो। ठीक है, यही मैं दिल से थैंक यू आप सभी के लिए, एग्जाम जिनका है उन सभी के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, देखिए एग्जाम में हाइपरनेस की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम को अच्छे तरह से देना है, बस खुशी से देना, मन से देना। ठीक है, और एग्जाम टाइम पे देखिए बहुत सारी दिमाग में टेंशंस आती हैं, फैमिली रिलेशंस वगैरह की, क्या होगा हमारा, मतलब फ्यूचर की टेंशन, तो उस टेंशन को उस समय भुला देना, सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करना है। और जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम कल या परसों है, ठीक है, वो अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, और अच्छे से देखिए 2 दिन रह गए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, जीके के लिए आपको यहाँ से बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 500 प्रश्न जो मैंने दिए हैं, प्रश्न के नीचे जो उत्तर है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है, तो जो टिक है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर के लिए भटकना नहीं है, वहीं के वहीं पे सीधा याद करते हुए चलना है। देखिए 500 क्वेश्चन को 2 घंटे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर 2 घंटे आप जीके को दे दोगे तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और बात रही फ्रेंड्स जो आपकी, देखिए मैथ वगैरह की, तो मैथ में आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ के जाइएगा, बस 3 टॉपिक से 3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, और एक टाइम एंड वर्क से आता है। ठीक है, और टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता है, तो ये 5 क्वेश्चन रहते हैं आपके मिनिमम, और एक छठा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका SI या CI से। ठीक है, तो ये टॉपिक्स पढ़ के जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, 5 क्वेश्चन उसके रहेंगे। ठीक है, आपकी जो आकृति वगैरह होती है नॉन वर्बल रीजनिंग से रहेंगे, तो जो आकृति वाले, ठीक है, इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन अच्छे से देखे जाएगा, और एक क्वेश्चन उसमें उसका आता है। देखिए आपकी एक इमेज दी होगी, मिरर इमेज आपको बतानी है, तो मिरर इमेज वाला एक क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को देखे जाइएगा, और देखते टिक कर दोगे आप, क्योंकि आपने थोड़ा सा कंसेप्ट आपका सीख लेना उसका। ठीक है, अच्छे से आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और मेरे द्वारा कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एग्जाम सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।